तो गाइज कैसे हैं आप लोग, हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास एक इंटरेस्टिंग सा TWS है जिसका नाम है दोस्तों हफ अप ईयरडोज S50। इसे गाइज मैंने फ्लिपकार्ट से ओनली 699 में परचेज कर लिया था 5 दिन पहले। 5 दिनों से दोस्तों यूज भी कर रहा हूं, बॉक्स को अनबॉक्स करूंगा, सारे फीचर हमेशा की तरह आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और गाइस 5 दिनों का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप इसे लेने की सोच रहे हो तो दोस्तों इस वीडियो को देखकर आपके सारे कंफ्यूजन ऑलमोस्ट दूर हो जाएंगे। तो गाइस वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कर देना। इसी तरीके का कॉन्टेंट आगे भी आप देखना चाह रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पहले बॉक्स को देख लेते हैं। बॉक्स हमारा कुछ इस तरीके का मिलने वाला है। सामने की तरफ आपको हॉप अप की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी और गाइस यहां पे उन्होंने कुछ की हाईलाइट मेंशन कर रखे हैं, जैसे डेडिकेटेड गेमिंग मोड, एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन, IPX4 की वाटर रेसिस्टेंस के साथ मिल जाते हैं। और गाइस यहां पे भी इन्होंने कुछ की हाईलाइट दे रखे, सारे वीडियो में कवर करूंगा। बॉक्स के अंदर आपको एक यूजर मैनुअल देखने को मिलेगा, 1 ईयर मैन्युफैक्चर वारंटी कार्ड मिल जाता है और दोस्तों 4 एक्स्ट्रा ईयर टिप्स दे रखे हैं जो आप अपने कानों के हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे। और गाइस टाइप सी इंटरफेस के साथ आपको एक चार्जिंग केबल देखने को मिलती है। केबल की क्वालिटी दोस्तों मुझे काफी बढ़िया लगी है। अब बात कर लेते हैं अपने मेन प्रोडक्ट के बारे में। सबसे पहले दोस्तों इसकी बिल्ड और डिजाइन की बात करूं तो दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में ये डिजाइन मुझे काफी ठीक ठाक लगा है। कुछ ओवल शेप में इसका केस देखने को मिलता है और गाइस छोटा है, अगर आप इसे कैरी करेंगे तो दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप अपनी पॉकेट में डाल रहे हो तो दोस्तों वहां पे की वगैरह आपने रखी तो दोस्तों स्क्रैचेस आने के चांसेस इस पे हो सकते हैं, तो दोस्तों इस चीज से आपको थोड़ा बचना है। बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों सामने की तरफ आपको हॉप अप की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, लाइट इंडिकेटर लगाए 4 जो आपकी बैटरी को शो करेंगे कि आपकी बैटरी कितनी चार्ज है। यहां पे दोस्तों इन्होंने चार्जिंग पोर्ट लगाया है। और गाइस हिंज की क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों हिंज की क्वालिटी मुझे काफी बढ़िया लग रही है, लूज बिल्कुल भी नहीं और दोस्तों ओपन क्लोजिंग काफी अच्छी से हो रहा है। इसमें दोस्तों जो प्लास्टिक यूज किया वो भी मुझे काफी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। यहां पे इन्होंने लेफ्ट राइट भी मेंशन कर रखा है। अंदर की साइड दोस्तों इन्होंने जो प्लास्टिक यूज किया वो काफी अच्छी क्वालिटी का मुझे लग रहा है। बर्ड्स की बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों बर्ड्स की बिल्ड क्वालिटी भी मुझे काफी ठीक ठाक लगी है। फुली मैट फिनिश के साथ ये बर्ड्स आपको मिल जाएंगे, दोनों में लाइट इंडिकेटर, सारे टच कंट्रोल देखने को मिलेंगे और दोस्तों इस साइड आपको चार्जिंग पिंस देखने को मिलते हैं। और गाइस बर्ड्स लाइट वेट काफी ज्यादा हैं, अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में यूज करेंगे तो दोस्तों आपके कानों में दर्द वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगा। कनेक्टिविटी की बात करूं तो दोस्तों ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट इसमें आपको मिल जाता है, तो दोस्तों प्राइस के हिसाब से काफी सही मुझे लगा है। बहुत जल्दी से आपके डिवाइस से ये पेयर हो जाते हैं, यहां पे आपको कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। साथ ही साथ आपको हाई क्वालिटी ऑडियो AAC का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। फिटिंग और कंफर्ट की बात करूं तो दोस्तों ये TWS मुझे कंफर्टेबल काफी ज्यादा लगे हैं, अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में यूज करो तो दोस्तों आपके कानों में दर्द वगैरह बिल्कुल भी नहीं होगा, तो दोस्तों लॉन्ग टर्म आप इसे यूज कर पाओगे। और गाइस फिक्स भी काफी अच्छे से आपके ईयर में हो जाते हैं, अगर आप इसे रनिंग के टाइम या वर्कआउट के दौरान यूज करो तो दोस्तों आपके ईयर से बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। 40 मिलीसेकंड लो लेटेंसी के साथ गेमिंग मोड भी देखने को मिलता है, तो दोस्तों गेमिंग का एक छोटा सा टेस्ट करके मैं आपको दिखा देता हूं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इसमें आपको किस तरीके की लेटेंसी मिल रही है, अगर आप इसे गेमिंग के लिए परचेस कर रहे हो तो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। गेमिंग मोड ऑन करने के लिए आपको किसी भी बर्ड पे 5 टाइम टैप करना है, आपका गेमिंग मोड ऑन हो जाएगा। गेमिंग टेस्ट देखिए आपको कुछ तो आइडिया लग गया होगा कि इसमें आपको किस तरीके की लेटेंसी मिल रही है। दोस्तों मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो दोस्तों इससे मैंने BGMI प्ले किया था काफी टाइम तक, मुझे ऐसा लगता है इसमें आपको 40-50 मिलीसेकंड लो लेटेंसी के साथ गेमिंग मोड मिलता है, तो दोस्तों कैजुअली गेमिंग करने के लिए काफी तगड़ा ये TWS रहने वाला है। अगर आप प्रोफेशनली गेमिंग करते हैं तो दोस्तों उसके लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इसमें आपको माइनर सी लेटेंसी मिलती है। बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो दोस्तों केस की बैटरी आपको 350 mAh की देखने को मिलती है, म्यूजिक सुनने पर आपको दे देगी लगभग 50 आवर का प्ले टाइम। अगर आप इसे कॉलिंग के लिए यूज करोगे तो दोस्तों वहां पे देने वाली है 45 आवर का प्ले टाइम। और दोस्तों बर्ड्स की बैटरी आपको 40 mAh की देखने को मिलती है, अगर आप इसे म्यूजिक सुन रहे हो तो गाइज वहां पे लगभग आपको दे देगी 8 घंटे का प्ले टाइम। अगर आप इसे कॉलिंग कर रहे हो
तो गाइज वहां पे आपको 6 आवर का प्ले टाइम देखने को मिल जाता है। कुछ एक्स्ट्रा फीचर के बारे में बात करें तो दोस्तों ये TWS आपको मिल जाते हैं IPX4 की वाटर रेसिस्टेंस के साथ। तो दोस्तों पानी की थोड़ी बहुत इस पे बूंदे गिर जाएंगी तो आपको दिक्कत वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएगी। वर्कआउट के दौरान अगर आपको स्वेटिंग वगैरह होती है तब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कॉलिंग क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों इसे मैंने आउटडोर और इनडोर में कॉलिंग के लिए यूज किया और दोस्तों ड्राइव करते टाइम भी कॉलिंग के लिए यूज कर रहा था। इसके माइक्रोफोन स्पीकर काफी अच्छे से वर्क करते हैं, कॉलिंग में आपको कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। और गाइस एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन मोड भी काफी हद तक वर्क करता है। बैकग्राउंड की नॉइस ये लगभग 70% तक कैंसिल कर देता है। दोस्तों मैंने अपने फ्रेंड से बात करी थी, वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, वो मैं आपको सुना देता हूं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इसके माइक्रोफोन स्पीकर और दोस्तों एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन मोड किस तरीके से वर्क कर रहा है। हेलो हेलो, हाँ क्या कर रहे हो, बिजी तो नहीं हो अभी आप? नहीं बोलो यार, मेरे पास एक TWS है, ठीक है, उसी से कॉलिंग कर रहा हूँ मैं। तो ये बता सकते हो इसके माइक्रोफोन यार किस तरीके से वर्क कर रहे हैं? माइक्रोफोन अच्छे से काम कर रहा है, क्लियर वॉइस है। अच्छा जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको क्लियर सुनाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल क्लियर। ओके, कोई किसी तरीके का डिस्टॉर्शन वगैरह तो नहीं है? नहीं कोई नहीं, नॉर्मल है। ऐसा तो नहीं लग रहा कि दूर से बात कर रहा हूँ? नहीं नॉर्मल एकदम। अच्छा नॉर्मल है, ठीक। और अभी मैं आउटर एरिया में खड़ा हूँ, ठीक है, तो इसमें एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन मोड भी है, ठीक है, तो जो बैकग्राउंड की नॉइस होती है वो कितनी ज्यादा ये नॉइस कैंसिल कर पा रहा है? 20% आ रही है बस, ठीक है, बाकी 80% तो कैंसिल कर रहा है। कर रहा है, ओके चलो ठीक है, थैंक यू। अब बात कर लेते हैं इसकी साउंड की क्वालिटी के बारे में। दोस्तों इसे मैं लगभग 5 दिनों से यूज कर रहा था, ऑलमोस्ट सभी तरीके के मैंने इसे गाने वगैरह सुने हैं। साउंड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों प्राइस के हिसाब से मुझे काफी ठीक ठाक लगी है। वोकल्स दोस्तों काफी ज्यादा क्लियर है, जो सिंगर की आवाज होती है वो काफी क्लियरली आपको सुनाई देती है। लेकिन दोस्तों एक चीज मुझे डिसअपॉइंटिंग लगी है, अगर आप इसे 100% वॉल्यूम पे सुनोगे तो दोस्तों वहां पे आपको थोड़ा थोड़ा सा डिस्टॉर्शन सुनाई देता है। अगर आप इसे 60% या 70% पे सुन रहे तो दोस्तों वहां पे आपको कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं आएगी। बेस की बात करूं तो दोस्तों इसमें आपको 10mm के स्पीकर ड्राइवर देखने को मिलते हैं। तो गाइस बेस मीडियम टाइप का मिलता है, ना ज्यादा हाई बोल सकते हैं ना लो बोल सकते हैं। अगर आप मीडियम बेस सुनना पसंद करते हैं तो दोस्तों इसे आप जरूर कंसीडर कर सकते हैं। गेमिंग मोड ऑन करके कोई मूवी वगैरह देखेंगे या वीडियो वगैरह देखेंगे तो दोस्तों वहां पे आपको कोई भी लैग वगैरह सुनाई नहीं देगा। ओवरऑल दोस्तों देखा जाए 700 रुपए के प्राइस पॉइंट में साउंड की क्वालिटी ने मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस्ड किया है। अगर आपका बजट 1000 रुपए से कम है, कोई TWS अगर आप लेना चाह रहे हो जिसमें गेमिंग मोड हो, कॉलिंग क्वालिटी अच्छी हो, साउंड की क्वालिटी भी अच्छी हो, तो दोस्तों इसे आप जरूर कंसीडर कर सकते हैं। तो गाइज यही था HopUp AirDose S50 TWS का अनबॉक्सिंग रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना। इसी तरीके का कॉन्टेंट आगे भी आप देखना चाह रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और गाइज बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।